छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है कद्दू भात और खरना दोनों। आंटी एक दिन वाला करती है इसलिए दोनों एक दिन पड़ा है, तो दोनों मैं दिखाऊंगी। घर से निकले आंटी के घर के लिए, मम्मी छठ नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है आप मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिले प्यारी आंटी से, प्यारी नानी जी से, और यहाँ पर कद्दू भात का तैयारी चल रहा है। मिले दूसरी आंटी से, दोनों आंटी मिलकर छठ कर रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर गुल्ली खेल रही है, पीछे अंशु है, दोनों सब इतने क्यूट लग रहे हैं। तो यहाँ पर कद्दू भात सब बन गया है और यहाँ पर पूजा भी हो गया, गाय माता के लिए भी निकल गया, और आंटी भी अब खा रही हैं। उसके बाद फिर हम लोग खाएं, खा के मैं थोड़ा आराम की, फिर आंटी के घर से मैं वापस आ गई अपने घर पे। और पूरा देखिए रोड इतना सुंदर सजा है। फिर हम अपने फ्रेंड के वहाँ पे गए, यहाँ पर खरना का आंटी सब कुछ कर लेती, फिर यहाँ पर इनसे आशीर्वाद लिए। और ये देखिए मेरा सिंदूर लगाने के बाद का लुक बहुत अच्छा लगता है। फिर हम गए दूसरे फ्रेंड के घर पर और यहाँ पर भी भगवान जी का आशीर्वाद लिए, यहाँ पर भी आंटी से सिंदूर लगवाए, और मिलिए छोटे से गुल्ली से। पीछे फ्रेंड लोग है, ये मेरी फ्रेंड है, और ये रहे सब लोग। और उसके बाद ये वाला, इसके बाद मैं तीसरा जगह पर आई अपने घर के सामने आंटी जी के पास, वहाँ से भी आशीर्वाद लिए। फिर निकले, फिर आए दूसरा जगह, मतलब बहुत सारे लोग जगह गए थे। आप पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।